चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के मंदिर का इतिहास काफी रोचक है। 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक मंदिर में कई परिवर्तन हुए। कई बार हुई त्रासदी के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आज ये सनातन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हालांकि श्री हरि का ये धाम शुरू में ही मंदिर रूप में नहीं था और ना ही विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने अपने बद्री धाम निवास के दौरान 6 महीने यहाँ रुके थे। इसके बाद वह केदारनाथ चले गए थे। हालांकि उन्होंने ही अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति प्राप्त की थी, जिसे हिंदू और वैदिक संघर्ष के दौरान सुरक्षित रखने के लिए साधुओं ने नारद कुंड में डाल दिया था। इसके बाद तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में मूर्ति को स्थापित कर दिया। हालांकि ये मूर्ति गुफा से विलुप्त हो गई और पुनः तप्त कुंड में ही पहुंच गई। ये 2 बार हुआ। कथा मिलती है कि तीसरी बार संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति के स्थापना करवाई। पारंपरिक कथा के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनक पाल की सहायता से इस क्षेत्र से बौद्धों को निष्कासित कर दिया। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। कथा मिलती है कि 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ की मूर्ति को गुफा से निकालकर वर्मान मंदिर में स्थापित कर दिया। बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहां पर सोने का छत्र चढ़ाया। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य 2 भागों में बटा, तब बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया। लेकिन राज्य बटने के बाद भी मंदिर का प्रबंध और प्रशासन गढ़वाल के राजा के पास ही रहा। भगवान बद्रीनाथ के इस मंदिर को हिम संकलन के चलते कई बार नुकसान पहुंचा, लेकिन गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर के नवीनीकरण के साथ ही इसका विस्तार भी किया। 1803 में क्षेत्र में आए भूकंप से मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद जयपुर के राजा ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। मंदिर का निर्माण कार्य 1870 के अंत तक चला। आज निरंतर प्रयास और विकास के क्रम में बद्रीनाथ का दरबार भक्तों के लिए खुला है, जहां लाखों की संख्या में अब श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने शुरू एवं 6 महीने बंद होता है। मई से जून महीने के बीच बद्रीनाथ की यात्रा पर जाना अच्छा है। उसके अलावा पर्यटक सितंबर से अक्टूबर के बीच भी ये मंदिर का यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर और अक्टूबर है। गर्मियों में बद्रीनाथ धाम का तापमान 18 डिग्री रहता है और मानसून में समय मंदिर बंद रहता है, क्योंकि भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की बहुत संभावना है। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए जरूरी उन्हीं कपड़े साथ ले जाएं, क्योंकि यहां रात के समय तापमान कम हो जाता है। बद्रीनाथ में शराब और मांसाहारी भोजन प्रतिबंधित है। पर्यटक मंदिर जाने में अपनी दवाएं साथ ले जाते हैं। मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। बद्रीनाथ में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से चक्कर आना सामान्य बात है। तीर्थ यात्रा से पहले चिकित्सक से अपनी जांच जरूर करा लें। मंदिर अधिकारियों से बताए गए दिशा निर्देशों का पालना करें। बद्रीनाथ घूमने का सबसे अच्छा समय मई, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर है।